सर, कल रात की घटना है। 1:30 पे मुझे फोन आता है और तत्काल व्यक्ति मेरे गांव का है, युवा है, और जो कि गाड़ी दुकान के सामने खड़ी थी, 1 किलोमीटर गाड़ी उठा करके लाता है और मौके पे ही वो उक्त व्यक्ति पकड़ा गया है। मुझे गाड़ी मालिक ने फोन किया, मैं तत्काल उठा और हम चौकसी में रहे। चौकसी के बाद पता चला कि आदमी भाग रहा है और तब हम सब लोगों ने पकड़ा है। सब गांव वालों को खबर हुई और आसपास के लोग आए और सब लोगों ने, युवाओं ने, हम लोगों ने सबको इसको पकड़ा है। और पूर्व में मेरे गांव में वर्ष 2020-21 से लगातार चोरियां हो रही है, जो कि ग्राम सभा का प्रस्ताव में खुली बैठकों में तय हुआ है कि ऐसी हरकतें ना करो, ऐसे बाज ना करो, ऐसी आदतों पर सही वो करो, पेरेंट्स सही गाइडलाइन करें, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। दिन रात भाई का माहौल है, अशांति है, गांव में दहशत बनी हुई है और कोई नया मेहमान हमारे गांव में आने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि गाड़ियां टूटी हैं, शीशा तोड़ा है। आज भी गाड़ी का शीशा टूटा है, मौके पे है, गाड़ी मौके पे है। और रात को हमने फोन किया है, पटवारी जी को फोन किया है, कानूनगो साहब को भी फोन किए हैं और यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष को भी फोन किया है। 2:30-3 बजे मैंने फोन किया है और उन लोगों ने फोन उठाया, बोला कि राजस्व क्षेत्र है। राजस्व क्षेत्र में कहा कि यार चलो आप ले आओ नीचे, तो हम ले आए यहाँ पर। जो हमारे साथ वारदात थी, जो हमारे पास मुलजिम था, हम उनको पकड़ कर ले आए हैं। जबकि गांव में बहुत बड़ा भाई था, बहुत बड़ी अशांति है, गांव में भीड़ बहुत थी, अलग अलग मन के लोग हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं बनाते हैं, पाक साफ बनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर आरोप जड़ता है, प्रधान कुछ नहीं कर रहा है, गाँव वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या ड्यूटी करूँ। लेकिन हमारा फर्ज था कि भाई इसको कोई क्षति ना हो और ये मौके पर प्रशासन के हवाला किया जाए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे